पुलिस अधीक्षक नीमच सूरज कुमार वर्मा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसमें थाना मनासा को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी मनासा कन्हैया लाल डांगी के नेतृत्व में डंपर में स्कीम बनाकर डोडा चूरा की तस्करी करते दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 4 क्विंटल 70 किलो डोडा चूरा जब्त करने में सफलता मिली है। दिनांक 19/11/21 को मुखबिर की सूचना मिली कि एक खाली डंपर जिसमें तल के नीचे पार्टीशन बनाकर उसके अंदर डोडा चूरा लेकर दो तस्कर महागढ़ की तरफ से राजस्थान जा रहे हैं। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए डंपर क्रमांक RJ12GA1294 को रोककर उसमें सवार दो तस्करों अजय पिता अमराराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी कोष्टी थाना खेड़ापा जिला जोधपुर राजस्थान, दूसरा राजू पिता घनश्याम जाति तेली उम्र 19 वर्ष निवासी देवरी खवासा को पकड़कर NDPS एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक प्रावधानों को पालन कर दोनों तस्करों से डंपर के तले के नीचे से बनाई गई स्कीम से डोडा चूरा 4 क्विंटल 70 किलोग्राम एक टाटा कंपनी का डंपर RJ12GA1294 कुल कीमत 24,60,000 रुपए किलो डोडा चूरा बरामद कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। प्राथमिक जांच में दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने पर उक्त डोडा चूरा सुधीर बोस पिता ओम प्रकाश श्रीवास्तव निवासी देवरी खवासा द्वारा भरना बताया गया और बाबू राम पिता तुलसा राम जाति जाट निवासी कोष्टी थाना खेड़ापा जिला जोधपुर को पाया गया, जो दोनों ही तस्करों को भी प्रकरण में आरोपी बनाकर तलाश की जा रही है। प्रकरण में और जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। आरोपियों ने बहुत ही चतुराई के साथ डंपर में स्कीम बना रखी थी ताकि पुलिस को चकमा दे सके, जिससे पुलिस को डोडा चूरा तलाश करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस की मेहनत के आगे तस्करों की चतुराई काम नहीं आ सकी और तस्करों की डंपर में बनाई गई स्कीम फेल हो गई। गिरफ्तार आरोपी अजय पिता अमराव राम जाटी जाट उम्र 23 वर्ष निवासी कोष्टी थाना खेड़ापा जिला जोधपुर राजस्थान, राजू पिता घनश्याम जाति तेली उम्र 19 वर्ष निवासी देवरी खवासा थाना मनासा जिला नीमच, फरार आरोपी सुधीर बोस पिता ओम प्रकाश श्रीवास्तव निवासी देवी खवासा थाना मनासा, बाबू राम पिता तुलसा राम जाति जाट निवासी कोष्टी थाना खेड़ापा जिला जोधपुर राजस्थान बताए जा रहे हैं। दो आरोपी गिरफ्तार करने में KL डांगी और मनासा थाना टीम की सराहनीय भूमिका रही। मनासा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक डंपर जिसमें 4 क्विंटल 70 किलो दो आरोपियों को जिनके नाम अजय और राजू है इनको गिरफ्तार कर उक्त डोडा चूरा को जब्त कर NDPS का प्रकरण बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पूछताछ करके जहाँ से डोडा चूरा लिया है उसका नाम सुधीर बोस निवासी देवरी खवासा है और जिसको डोडा चूरा देना था उसका नाम बाबूराम जाट है जो जोधपुर का रहने वाला है, उन दोनों को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड प्राप्त करके इस घटनाक्रम में और डोडा चूरा का क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया है और इसके गंतव्य में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं सारी बिंदुओं पर अनुसंधान करके और आगे और भी इसमें जो संलिप्त है सभी लोगों का। सर लोटिक वाहन में किस तरीके से डोडा चूरा भरा गया था? इसमें तस्करों द्वारा बहुत ही चतुरता से बहुत ही शातिरगिरी से जो डंपर का तल था उसके नीचे एक स्कीम बनाई थी जिसके पार्टीशन में इस डोडा चूरा को भरा गया, जो कि बहुत ही चतुराई के साथ किया गया कार्य था, लेकिन हमारी टीम द्वारा उसका पता लगाया गया और जब्त करके कार्रवाई। करीब कितने लाख की लागत है डंपर और डोडा चूरा की? ये कुल करीब 25 लाख रुपए का मशरूम का डंपर और डोडा चूरा सहित हुआ है और इसके कार्रवाई।